हेलो स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स अभी आप इस समय पढ़ रहे हैं चैप्टर 9, जिसमें मैंने आपको कल पढ़ाया था वर्ड्स प्रॉब्लम। ओके, और अब आप इसी में पढ़ेंगे सम इट अप। सम इट अप में पहले आपने पढ़ा है एड द फॉलोइंग फ्रैक्शन एंड सब्ट्रैक्शंस, जिनमें आपने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस थे। ओके, आज इसी प्रकार से अब आपको करना है वर्ड्स प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, तो वर्ड प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है, बहुत ही सिंपल है, इजी है। जैसे इससे पहले आपने 9.3 सॉल्व कर चुके हैं ना, इसी प्रकार अब आपको दिए गए ये क्वेश्चंस को सबसे पहले रीड करना है। तो चलिए रीड कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, डेट मेंशन कीजिए सबसे पहले। ओके, अब क्वेश्चन लिखिए, 4 पीसेस ऑफ अ रिबन मेजरिंग 1/3 मीटर, 2/6 मीटर, 1/4 मीटर एंड 1/2 मीटर आर ज्वाइंट टुगेदर। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द रिबन? एक रिबन है जिनके पीसेस कितने हैं, 4 पीसेस हैं, और उनकी लेंथ कितनी है, 1 मीटर, 1/3 मीटर, 2/6 मीटर एंड 1/4 मीटर, 1/2 मीटर। 4 पीसेस हैं और अब इनको एक साथ जोड़ना है। ठीक है, तो अब आपको बताना होगा कि लेंथ ऑफ द रिबन, रिबन की लेंथ कितनी हो जाएगी। तो अब क्या करना है आपको, टोटल लेंथ ऑफ द रिबन 1/3 + 2/6 + 1/4 + 1/2। ओके, ये अनलाइक फ्रैक्शंस है बच्चों। तो सबसे पहले दिए गए फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर्स जो हैं इनके आप क्या फाइंड करेंगे, एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा, 24, नो 12। ओके, 6 × 12 फाइंडिंग मेथड याद ना, मल्टीप्लाई कीजिए जो ग्रेटर नंबर है उसका मल्टीपल्स लिखिए, यानी 6 × 12। अब 12 देखिए, 4 × 3 = 12, 2 × 6 = 12 एंड 3 × 4 = 12, 12 सभी से डिवाइड हो रहे हैं। अब आपको करना क्या है बच्चों, 12 एलसीएम फाइंड कर लिया आप सभी ने, कैसे लिखा है आप लोगों ने, 1/3 + 2/6 + 1/4 + 1/2। सेकेंड स्टेप में एलसीएम फाइंड किया, फाइंड करने के एलसीएम फाइंड होने के बाद अब क्या करना है, जितने डिनोमिनेटर उनसे डिवाइड करते चाहिए। जैसे 3 से डिवाइड करेंगे 12 को, ठीक, तो कितना हो जाएगा, 4, 4 का मल्टीप्लाई 1 में कीजिए, प्लस 2 से डिवाइड कीजिए 12 को, 2, 2 का मल्टीप्लाई 2, प्लस 4 से डिवाइड कीजिए अब 12 को, कितना आ गया बच्चों, 3, 3 का मल्टीप्लाई 1, प्लस 2 से डिवाइड कीजिए 12 को, 6, 6 मल्टीप्लाई कीजिए 1। ओके, तो अब इसके आगे आप सभी को ये क्वेश्चन सॉल्व करके पूरा देना है। क्वेश्चन नंबर 2 रीड कीजिए, नेहा एट 2/4 पार्ट ऑफ सैंडविच एंड स्नेहा एट 1/4 पार्ट ऑफ द सैंडविच, हाउ मैनी पार्ट डिड दे ईट टुगेदर, हाउ मैनी पार्ट रिमेंड अनईटन। बच्चों यहाँ नेहा एंड स्नेहा, ठीक है, दोनों लोगों ने मिलकर के सैंडविच खाए हैं, तो नेहा ने सैंडविच का 2/4 पार्ट खाया है, जबकि स्नेहा 8/1/4 पार्ट। ओके, तो अब आपको बताना है दोनों ने मिलकर के कितना सैंडविच खाया है। ठीक है, सैंडविच का कितना पार्ट खाया है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेटमेंट लिखिए, नेहा एट पार्ट ऑफ इस सैंडविच इज इक्वल टू 2/4 एंड स्नेहा एट 1/4 पार्ट। ओके, अब दे एट टुगेदर, दे एट टुगेदर, तो 2/4 + 1/4 दोनों को प्लस करेंगे, ये लाइक फ्रैक्शंस हैं, दोनों को प्लस करके आपने क्या देखा, फाइंड कर लिए ना, 2/4 + 1/4 यानी 3/4। अब कितने बच्चे हैं, तो 1 - 3/4, 1 - 3/4 लिख लिया, 1 - 3/4। ठीक, अब जब 1 है
वन पूरा था, होल कितना होता, वन होते ना, ठीक है, एक सैंडविच में इतना इतना पार्ट। तो अब बताना है आपको कितना रिमेन बचे, यानी कितना बिना खाया हुआ पार्ट बचे, तो आप क्या करेंगे, रिमेन पार्ट वन माइनस थ्री अपॉन फोर, फोर माइनस थ्री, फोर माइनस थ्री, आगे ना तो कितना हो जाएगा, वन अपॉन फोर पार्ट रह गया बिना खाया हुआ। ओके, यानी रिमेंड अन अन ईटन पार्ट्स कितना हो गया, वन अपॉन फोर। तो बच्चों इसी प्रकार से आप इन क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में फिल कीजिए और तुरंत सेंड कीजिए। इसी प्रकार से अब यहाँ पर कुछ ठीक द करेक्ट ऑप्शंस दिए गए हैं, इनको पढ़ते जाइए और अपनी बुक बुक में आप पेज नंबर 118 ओपन कीजिए, जिसमें दिया है व्हाट डिड यू थिंक। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है, अ फ्रैक्शन इज अ नंबर दैट स्टैंड्स फॉर अ पार्ट ऑफ होल नंबर। ठीक है बच्चों, तो आपको यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है, फ्रैक्शन इंटीजर्स होल नंबर्स, तो अब आपको केवल आंसर देना है। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, जैसे मैंने फर्स्ट तो बता दिया है, अ फ्रैक्शन इज अ नंबर दैट स्टैंड्स फॉर अ पार्ट ऑफ अ होल नंबर। लेकिन अब यहाँ सेकेंड में फ्रैक्शन दैट रिप्रेजेंट द सेम नंबर आर कार्ड, तो वो कौन से होते हैं फ्रैक्शंस जिनमें जो सेम नंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं, वो कौन से फ्रैक्शंस होते हैं, यस इक्वेलेंट फ्रैक्शन। ओके, तो क्या फिल करेंगे आप लोग, करेक्ट आंसर टिक करेंगे, इक्वेलेंट फ्रैक्शन विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आर, वे फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होते हैं वो कौन से कहलाते हैं, अनलाइक फ्रैक्शंस। एंड फ्रैक्शंस विद द सेम डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड, जिन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स सेम होते हैं वो कौन से फ्रैक्शंस कहलाते हैं, यस लाइक फ्रैक्शन। तो बच्चों अब आप लोगों का ये चैप्टर कंप्लीट होता है, दिए गए इस एक्सरसाइज को आप तुरंत कंप्लीट कीजिए और डेट मेंशन करके तुरंत हमें सेंड कीजिए, एज जिससे हम आसानी से करेक्शन कर सकें। ओके बच्चों, और साथ में इस आप चैप्टर 9 का रिवीजन एक बार फिर से कर लीजिए। आप सभी बच्चों को कोई दिक्कत तो नहीं है, सब बच्चों को आगे होगा, और अगर किसी बच्चों को कुछ नहीं समझ में आता है तो वो फिर से क्लास टाइम में डिस्कस कर सकते हैं। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस।